स्वागतम मित्रों एवं मित्राणियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के 9:15 बजने वाले हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गेहूँ के खेतों से। तो अभी सुबह के टाइम पे मैं और कामों पहुँच गए हैं अपने तिया वाले मतलब रोपाई वाले खेतों में। तो यहाँ ऊपर की साइड जो ये वाले खेत है ना, इनमें तो सभी में गेहूँ है, बाकी जिस खेत में हमने कल काम, तो ये वाला खेत है वो, तो इसमें कल हमने ना गर्दा वगैरह साफ छान के मतलब जो भी पत्थर वगैरह थे उनको सभी साइड कर दिया है। और उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है ये खेत। तो आज ना सलोनी कॉलेज जा रखी है क्योंकि उसने आज असाइनमेंट जमा करना है और मतलब एक महीना हो गया है तब से वो उसी पे लगी हुई है क्योंकि फाइलें भी बनानी है। और बोल रही है कि मई से अब उनके पेपर भी हैं, मतलब पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही, सिर्फ पेपर पे पेपर होते जा रहे हैं। तो इसलिए आज उसकी यहाँ खेत आने की छुट्टी है और मैं कामों पहुँच गए हैं। और काम देखो वहाँ नीचे बैठ रखी। तो जिन खेतों में ना हल लगी हुई है इनमें ना दोबारा मतलब दो दो बार हल लगा रखी है क्योंकि जो बिजवाड़े रहते हैं ना उनको उनमें काम करने के लिए दो बारे की हल लगाई जाती है ताकि ना जो घास वगैरह है थोड़ा वो सूख जाता है तो उसके बाद उसको छानने में ना थोड़ा आसानी भी हो जाती है। तो इस बार हम ना जो हमारे धार वाले खेत हैं वहाँ के खेत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मतलब करने को तो हम कर ही लेते लेकिन ज़्यादा दिक्कत ना हल पे हो रही है। मतलब हमारे यहाँ रुपए वाले टोटल 20 खेत हैं तो इन सभी खेतों में हल लगाने के लिए पापा अकेले, हम बोलते हैं कि रुपए के टाइम पे अपने साथ के लिए एक दगड़िया कर लो मतलब जो हल भी लगाए और थोड़ा पानी वगैरह भी देख ले, लेकिन पापा करते ही नहीं हैं। तो इस वजह से ना इस बार हमने वहाँ के खेत नहीं कर रखे हैं, किसी चाची और को दे रखे हैं जिनके बगल ही पे खेत हैं हमारे खेत के। तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा जहाँ पे ये गेहूँ का खेत है ना, उसी के उधर की साइड है हमारे धार वाले खेत। तो आज के लिए हमको ना ये वाला खेत पूरा करना है। कल हमने शाम के टाइम पे ना आधा जो ये वाला खेत बचा था इसको पूरा कर लिया था और अंधेरा हो गया था ना, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि पूरा अंधेरा होने तक तो हम यहाँ रोड़ी पे पहुँचे थे। तो कल तो ये वाला खेत पूरा हो गया था और अगर हम ना धार वाला खेत करते तो जो यहाँ नीचे वाला खेत है ना इसमें भी ना हमने बीज बोना था लेकिन इस बार ना इस वाले खेत में नहीं बोएंगे। बाकी यहाँ एक ये है और एक ये वाला और एक ऊपर पे और दो खेत ना उधर गधेरे के बगल पे है, मतलब जो हमारे बीज के खेत है ना वहाँ के लिए वो वाला बीज जाता है। तो उस वाले खेत में भी हमने काम कर लिया है, बाकी अभी ना फटाफट से इस वाले खेत में भी कर लेते हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है और थोड़ा बहुत टाइम भी लग ही रहा है क्योंकि घास वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा बारीक हो रखा है तो इसको छानने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। तो लग जाते हैं अभी फटाफट से अपने काम पर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी टाइम 12 बज चुके हैं और अभी हम ना घर चलने लगे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो रही है। तो आज तो हमने यहाँ के खेत का काम पूरा कर लिया है और अब सीधे यहाँ ना जो गर्दा वगैरह रख रखा है उसको जलाने के लिए आना है। और यहाँ पे हमारे ना दो खेत हैं, एक ये वाला और एक किसके उधर वाला। तो यहाँ पे भी हमने एक दिन पहले ही यहाँ का काम किया था तो अब आएंगे एक दो दिन के बाद। तो अभी चलते हैं फटाफट से घर को और मिलते हैं आपको घर पे पहुंच के। दोस्तों अभी गुन्नू देखो कैसे पड़ रखा है, इसको अभी नहलाया ना, तो ये देखो तो गुन्नू को मैंने मस्त से नहला रखा है ना। तो गुन्नू देखो यहाँ पे कितना सुहाना लग रहा है ना गुन्नू। ओए गुन्नू इधर देखो, मेरे पे देखो, मैं बोल रही ना तेरे को, ये देखो काली काली आंखें। तो दोस्तों अभी दिन के 2 बज चुके हैं, बाकी अभी ना माँ भी आ गई है, सलोनी भी आ गई और हमारा खाना भी बन चुका है। तो अभी माँ ना नहा रही है तो उसके बाद खाएंगे हम खाना। और यहाँ पे गुन्नू देखो क्या बढ़िया से सो रखा है ना गुन्नू। तो आते ही मैंने गुन्नू को नहला रखा था, मतलब नहलाने के लिए ले गई थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ना पड़ता है और अगर इसको पता चल गया ना कि हाँ ये मेरे को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं वो ऐसे भाग जाएगा, है ना गुन्नू, है ना गुन्नू। हाँ मैं घर आ गई माँ, मैंने खाना बना दिया और ये देखो यहाँ पे ऐसे
बंद कर लिया यार। यार गोलू काम हूँ। देखो दोस्तों मस्त से यहाँ पे सो रखी है ना दीदी। तो अब माँ फटाफट से नहा ले तो उसके बाद हम भी खाना खा लेते हैं, है ना दीदी। तो दोस्तों अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी है ऊपर साही जाने की, क्योंकि आजकल तो हमारे बैल घर आ रखे हैं तो इसलिए वहाँ पर हमारी बच्चियाँ हैं, तो अभी उन्हीं को घास देने के लिए जा रही हूँ। और अभी शाम के टाइम पे ना कामों ने बैलों को खोल रखा है, ऊपर फाटे पे ले गई है वो चराने के लिए, और गुन्नू भी उसी के साथ जा रखा है। तो ऊपर से क्या पता मेरे साथ आएगा, अगर बुलाऊंगी तो आएगा ही। तो अभी मैं मंदिर से ऊपर आ गई हूँ और गुन्नू मेरे साथ नहीं आया, मेरे को लगा क्या पता आएगा लेकिन नहीं आया वो मेरे साथ। और कल परसों मैंने आपको ना एक मेवो का पेड़ बताया था, मेवो बोलते हैं, और उसके फूल ना सारे झड़ चुके हैं और उस पे ना हरी हरी पत्तियाँ आने शुरू हो गई है। देखो बहुत ही बड़ा पेड़ है यहाँ पे मेवो का। और उधर की साइड जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, उधर गदेरी की साइड, तो वो वाले पेड़ ना अखरोट के हैं, तो उन पे भी ना जो पुराने पत्ते रहे होंगे वो सारे झड़ चुके हैं। आपको जूम करके बताती हूँ, देखो इधर की साइड तो ये सारे के सारे ना अखरोट के पेड़ हैं और इनके पत्ते सारे झड़ चुके हैं, तो आजकल इन पे ना छोटे छोटे पत्ते, हरे हरे पत्ते आने शुरू हो गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और ठीक सामने पे यहाँ पे ये रहा मेवो का पेड़, इसके फूल सारे झड़ चुके हैं और इस पे अभी कुछ कुछ ही फूल बचे हुए हैं सफ़ेद, ये देखो बाकी सभी झड़ चुके हैं। मेरे साथ तो गुन्नू आया नहीं, तो खैर अभी चलते हैं अभी फटाफट से ऊपर, क्योंकि अकेले ही जाना है, क्योंकि जिस दिन भी मैं आती हूँ ना ऊपर से उस दिन हमेशा गुन्नू आता ही है मेरे साथ, और आज तो खैर नहीं आया। चलो कोई नहीं, फटाफट से चलते हैं अभी ऊपर साई को। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर साई भी पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा इनको बाहर पर बांध लिया है और घास भी दे रखा और पानी भी पिला लिया है। पानी तो खैर नहीं पी रहे हैं, तो थोड़ी देर ना यहाँ बाहर हवा पे रहेंगे, क्योंकि अंदर ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, दिन में काफ़ी ज़्यादा उमस हो रही है, तो इसलिए इनको दिन में अंदर बांध लेते हैं। और बाहर पे मक्खियाँ भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है ना इनको, है ना सोनी, तो इसीलिए इनको ना आजकल दिन के टाइम पर अंदर बांध देते हैं और शाम के टाइम पर थोड़ा बाहर पर बांध लेते हैं, क्योंकि दिन भर अंदर रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उमस हो जाती है अंदर, और उन पे ना जो क्या बोलते हैं कौंछे बोलते हैं वो भी हो जाते हैं गर्मी के कारण, तो इसलिए अभी ना थोड़ा सा इनको बाहर पे बांध के घास वगैरह भी दे दिया है, तो थोड़ी देर में ये घास भी खा लेंगे और फिर बांधूंगी, है ना अंदर, है ना सोनी, फिर जाएगी हमारी सोनी अंदर। सोनी ओए कालू, और ये देखो कालू क्या कैसे खा क्या रहा है तू तो ऐसे करके, तो ये देखो कैसे आ रहा है मेरे मुँह पे आ रहा है घास खाने के लिए, है सोनू। सोनू सोनू दीदी आजकल ये बोल रहे होंगे कि हमारे साथ के दगड़िया कहाँ चलेगी, वो आजकल घर जा रखे हैं, ठीक है ठीक है सोनी। तो अब थोड़ी देर में ना ये घास खा लेंगे, तो उसके बाद इनको अंदर बांध के घास वगैरह देके तब चलती हूँ घर को। दोस्तों अभी मैंने घास भी दे दिया है, तो माँ ने ना सुबह के टाइम पे मिट्टी रखी होगी बाहर धूप पे सुखाने के लिए, और मैं आज खोवे की साइड आई ही नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब जैसे मैंने बोला थोड़ा उधर की साइड वाले दरवाजे खोल लेती हूँ, तो इधर आए तो तब देखा मैंने यहाँ पे मिट्टी डाल रखी थी, तो अभी मैंने ना मिट्टी अंदर रख ली है तिरपाल में, तो मिट्टी ना तिरपाल में डाल रखी थी तो मैंने उसी को उठा के सीधे अंदर पे रख लिया है, तो कल उसको ना फिर से सुखाने के लिए बाहर पे रखेंगे। और हमारा मंदिर ना, जिस मंदिर के काम पे हम सब लगे हुए थे, तो मंदिर बन चुका है और सिर्फ उसमें ना अभी दरवाज़ा लगाना बाकी है, तो देखेंगे जिस दिन भी वो काम पूरा हो जाएगा तो, और उसके बाद ना मंदिर में शुद्धिकरण पूजा होगी और फिर उसी दिन बताऊंगे आपको कि हमारा मंदिर कैसा बना है और बाहर से कैसा दिख रहा है, पूरा दिखाऊंगी उस दिन। तो अभी चलते हैं फटाफट से घर को, क्योंकि अभी देर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और अभी मैं ना गदेरे वाले रास्ते से जा रही हूँ, क्योंकि इधर का ना मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था तो उसी को बंद करने के लिए आई थी। तो चलते हैं अभी फटाफट से घर को, क्योंकि अंधेरा भी होने ही वाला है और जो भी साई
मतलब ऊपर साई वाले होंगे वो भी सारे चले गए हैं। सो मिलते हैं आपको सीधे घर पे पहुंच के। तो दोस्तों अभी टाइम 9:15 बज चुके हैं और आजकल ना हम खाना थोड़ा लेट ही बना रहे हैं, मतलब आजकल अंधेरा ना 7:30 बजे तक हो रहा है, तो इसीलिए खाना भी थोड़ा लेट ही बन रहा है। बाकी अभी मैं ना आटा गूंद रही हूँ और इधर उधर से इतना ज्यादा हल्ला कर रहे हैं ना ये। एक तो आई आई उसने डोंगा ऐसा फेंका ना यहाँ पे, और उससे पहले पता है वो यहाँ पे थैला रखा था ना, उसने उसको ऐसे बजाया, और ये तो प्रेशर कुकर ही गैस में ऐसे उछाल तो दिया। बहुत शरीफ हुआ, इसमें किसी से मुंह नहीं लगती ये बब्बा। तो अभी मैं ना आटा गूंद रही हूँ और सलोनी ने दाल बना दी और यहाँ पे पहुंच गई। ये देखो, नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब? आपको कभी कभी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और मैं बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मेरे सर पे बोझ है, काम का प्रेशर है। तो फटाफट से आटा गूंथने के लिए टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है आज। सो आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो ऐसे ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।